सिलीगुड़ी के 4 नंबर वार्ड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लाखों रुपए के मादक पदार्थ बरामद की गई है। साथ ही इस घटना में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि 4 नंबर वार्ड में SOG DD सिलीगुड़ी थाना और खालपड़ा चौकी की पुलिस को किराए के मकान में मादक गोदाम का पता चला। इसके बाद SOG DD सिलीगुड़ी थाना और खालपड़ा चौकी की पुलिस ने वहां संयुक्त अभियान चलाया और 3000 पीस याबा टैबलेट, 100 कार्टन नशा सामग्री और 1.5 लाख नगद रुपए बरामद किए। पुलिस ने इस घटना में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के ADCP शुभेंद्र कुमार ने आज एक पत्रकार सम्मेलन की। उन्होंने कहा कि 4 नंबर वार्ड में बड़ी सफलता मिली है। सिलीगुड़ी के 3 अलग अलग स्थानों से 35 लाख रुपए के मादक पदार्थ बरामद की गई। 3 मामलों में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल घटना की जाँच की जा रही है। सिलीगुड़ी थाना, सिलीगुड़ी कमिश्नरेट इलाके में आज 3 NTPS का केस हो रहा है। जो पहला केस है वो खालपाड़ा TOP में है। इस केस में हमने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में याबा टैबलेट सीज किया है। उसके अलावा बहुत सारे कफ सिरप सीज किए गए हैं और बहुत सारे ऐसे मेडिसिन सीज किए गए हैं जिनका कोई प्रिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं था अवेलेबल वहाँ पर। इसके अलावा इस केस में 1.5 लाख रुपीज़ सीज किया गया है और साथ ही साथ 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है जिनका नाम सुजीत गुप्ता और आशीष शाह है। इसके अलावा भक्ति नगर के थाना इलाके में 2 और केस हुए हैं। एक विद्या चक्र कॉलोनी में जो केस हुआ है उसमें इंजेक्शन पाया गया है और कफ सिरप पाया गया है। इसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें भी एक NTPS केस हो रहा है। इसके अलावा चेक पोस्ट के इलाके में भी 18 KG के आसपास गांजा बरामद किया गया है एक लेडी के पास से। उसमें भी एक सेपरेट NDPS का केस हो रहा है। ये 3 केस आज हमारे सिलीगुड़ी कमिश्नरेट इलाके में हो रहे हैं। टोटल 3 केस मिला के 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उस 5 केस में अनुमानिक जो सामान होगा 30 से 35 लाख का होगा। नहीं, जो हमारा जो पहला केस है, जो केस है इस केस में हमने काफ़ी भारी मात्रा में कार्टन वगैरह पकड़े हैं, अराउंड 100 कार्टन पकड़े हैं, तो वो एक बड़ा कैच है हमारा। इसमें हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तदंत में देखेंगे कि क्या होगा। उसमें अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग है, अराउंड 100 बॉक्सेस हैं। उसके अलावा 3000 याबा टैबलेट है उसके साथ और 1.5 लाख के आसपास हमारे टोटल कैसेस हैं। इसमें मेरे को खबर मिला जब मैं तुरंत आया यहाँ पे, आके देखा पुलिस पहुँच चुकी है। जो इसके मालिक हैं, जो भाड़ा लेके रखे थे पुलिस, वो भी मिल गए हैं। बाकी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस तरह की जो गलत काम कर रहे हैं उनके पीछे लगाम लगाने का काम ये लोग अच्छी तरह कर रहे हैं। बहुत सारी दवाइयां हैं जो मैं सुना हूं, प्रतिबंधित दवाइयां हैं। अब बाकी तो देखिए, मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है। बस पुलिस आने के शायद 5-7 मिनट के अंदर मैं भी पहुँच गया था। इस तरह के व्यवसायी अगर रहेंगे तो ये शहर इस तरह डूबता ही जाएगा। इसलिए प्रशासन ने जो एक्शन लिया है बहुत तारीफ का है। मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे तरफ से जो भी सहयोगिता होगा मैं हमेशा करता रहूँगा और करता हूँ। मैं अगले 2 दिन के अंदर पूरे वार्ड में माइकिंग करवाऊँगा ताकि जो भी भाड़ा दे के रखे हैं सारे आदमी कम से कम थाना में जाके वहाँ से जो फॉर्म मिलता है उसको भर के थाना में जमा करें। ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। बाकी जो नहीं करेंगे वो अपने दायित्व में रहेंगे। प्रशासन का जो एक्शन करना होगा प्रशासन जरूर एक्शन करेगा। पचास हजार लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ श्री शांति होंडा।